हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में आपको क्लास टेंथ का बहुपद बताएंगे। तो हम लोग को देखना है कि बहुपद को हम लोग कैसे पहचानेंगे, और इसमें तीन कंडीशन है। पहला, घात यानी पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए, पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है कि चार रूट में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बहुपद को कब करेंगे कि पहचानेंगे कि बहुपद होगा, तो आपको ध्यान देना है कि पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, देखिएगा। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, पहले नंबर एग्जांपल में 3x² + 2x + 1 बहुपद होगा। सब बोलेगा साथ में, यस सर। यस सर, बहुपद होगा सर। कैसे होगा बहुपद? क्योंकि पावर कौनसी है? पूर्ण संख्या। सब साथ में बोलेगा, पावर कौनसी है? पूर्ण संख्या। सेकंड एग्जांपल आप लीजिए कि अगर 3y - 2 + 2y + 4 ये बहुपद होगा? नहीं सर। कैसे? माइनस में पावर घात कौनसी में है? माइनस में। उसी तरीके से आपको ढेर मनी एग्जांपल देता हूं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखो, x² + 3x + 6 बताओ बहुपद होगा? यस सर। कैसे होगा बहुपद? बहुपद पावर पूर्ण संख्या। पावर पूर्ण संख्या, तो हम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए और एग्जांपल देखिए, x + 2/x बताइए बहुपद होगा? नहीं सर। सर कैसे? क्योंकि बटा में वैसे नहीं। देखिए चेक करिए, x + 2 ऊपर जाएगा तब पावर माइनस हो जाएगा, तो पावर यानी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यदि आपको कंडीशन तीन हो गया साथ में, सर कसकस के बोलेगा घात भिन्न में नहीं होना चाहिए और घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चार रूट में नहीं होना चाहिए। और डेढ़ का एग्जाम्पल देखिए, और बहुपद कब होगा? जबकि घात पूर्ण संख्या। बोलो घात पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल ढेर सा लेके और पश्चिम बाजी देखो, एग्जाम्पल तक पहुंच गो। देखते एक नंबर, दो नंबर, 3, 4 और 5। देखिए, √u - 3u + 2 ये बहुपद होगा? नहीं सर। कैसे? चार रूट में है। तो आपको बता दिया गया कि चार अगर रूट में होगा तो बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा, तो हम लोग कटन कोटी करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, x² + 2 बताइए बहुपद होगा? यस सर। कैसे? पावर पूर्ण संख्या, तो सही कर देंगे। ऐसा आपको पहचानने के लिए आपका एग्जाम में 2-3 नंबर का √3t + √2x + 1 बहुपद होगा? यस सर। कैसे? रूट है 3 पर सर। बहुपद क्या नहीं होगा? क्योंकि देखो पहले ये वाला कौन सी में है? रूट में है, और ये वाला भी पूरा रूट में है, तो बहुपद नहीं होगा सर। बताइए अंक 8 बहुपद होगा? यस सर। बोलो 8 का बहुपद? यस सर। कैसे? क्योंकि देखिए 8 * x^0 ले सकते हैं, x^0 इसका वैल्यू कितना होता है? देखिए पावर कौन संख्या होता है, बहुपद होगा, समझे? यस सर। क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपको, और एक माइनस ले लीजिए, 3x - 2 + 3x + 1 बहुपद होगा? नहीं सर। क्यों? माइनस 2